So today we will study about the urinary system. Urinary system हमारे excretory system का part है. So हमारी body में हम food ingest करते हैं अपनी body के metabolic processes को regularly चलाने के लिए. तो अभी जो हम ये food और water ingest करते हैं हमारी body के metabolic processes को smoothly run करवाने के लिए, ये हमारे पास body में after certain metabolism effect हमारे पास क्या होगा? वो वेस्ट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी और इन वेस्ट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के बाद हमारे पास देयर इज अ मैकेनिज्म इन आवर बॉडी जो कि हमारे पास हेल्प करता है इन वेस्ट प्रोडक्ट्स की रिमूवल के लिए. सो अब हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो या तो हमारे पास वेपर्स के फॉर्म में रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू हमारे पास रिमूव होते हैं, सेकेंडली हमारे पास वाटर के फॉर्म में या फिर लिक्विड के फॉर्म में स्वेट के थ्रू हमारे पास रिमूव होते हैं, या फिर हमारे पास फीकल मैटर की फॉर्म में हमारे पास एक्सक्रीशन होती है. उसके अलावा जो हमारे पास इस लेक्चर के साथ कंसर्न है, हमारे पास वन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी का है यूरिन. सो और यूरिन की फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ पे होती है? इन द यूरिनरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. तो अब ये जो हमारे पास यूरिन की फॉर्मेशन है और हमारे पास जो यूरिनरी सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द यूरिनरी सिस्टम इन डिटेल, ताकि हमें पता चले कि यूरिन की फॉर्मेशन जो हमारी बॉडी में होती है हाउ कैसे होती है और हमारे पास कौन से डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं जो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ टू किडनीज. हमारे पास दो बीन शेप्ड रेडिश ब्राउन कलर की किडनीज होती है. अब ये जो किडनीज है ये हमारे पास बॉडी के जो हमारे पास पोस्टीरियर पोर्शन है, ये हमारे यानी हमारे पास बॉडी के बैक साइड पे प्रेजेंट होती है दो किडनीज रेडिश ब्राउन कलर की. अब ये जो हमारे पास दो बीन शेप्ड किडनीज है, ये जो बीन शेप्ड किडनीज है इट इज हमारे पास जो राइट किडनी होती है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर होती है टू द लेफ्ट किडनी. जो राइट किडनी है हमारे पास जो किडनीज है दे आर जनरली 11 सेंटीमीटर लेंथ होती है. हमारे पास 5 सेंटीमीटर इनकी जो विड्थ होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है, यानी कि हमारे पास जो किडनी है दैट इज अ वेरी स्मॉल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 150 टू 170 ग्राम्स किडनी का वेट होता है. अब ये जो हमारे पास दो किडनीज प्रेजेंट है ये हमारे पास हमने पढ़ा कि पोस्टीरियर वॉल पे प्रेजेंट, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पीछे हमारे पास 7 प्रेजेंट है, यानी कि बॉडी के बैक साइड पे किडनीज प्रेजेंट होती है. ये क्लियर है? अब ये जो किडनीज है इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है, ये हमारे पास जो हमारी वर्टिब्री है, वर्टिब्री के हमारे पास ईच साइड पे एक किडनी प्रेजेंट होती है. उसके अलावा हमारे पास जो किडनी है वो जो हमारे पास लास्ट थोरैसिक, जब हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था तब हमने पढ़ा था वर्टिब्री के बारे में, और वर्टिब्री में हमने पढ़ा था कि तो आपके पास थोरैसिक वर्टिब्री होती है और लंबर वर्टिब्री होती है. सो लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री और थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में हमारे पास किडनी प्रेजेंट होती है. सो अब ये जो हमारे पास किडनी है, किडनी के ऊपर हमारे पास दो हमारे पास ग्लैंड होते हैं, यानी हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे पास हॉर्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. हमारी बॉडी में जो यूरिन की फॉर्मेशन होती है उसके अंदर हमारे पास कुछ हॉर्मोन जो हमारे पास बॉडी के अंदर आयनिक बैलेंस मेंटेन करते हैं उसके लिए कुछ हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास, जैसे कि कॉर्टिसोल. और जो कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स है वो हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स या एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज, और एड्रिनल ग्लैंड हमारे पास किडनी के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होता है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट अब हमारे पास दो बीन शेप रेडिश ब्राउन कलर की किडनीज हैं जिनकी मेजरमेंट हमें पता है, पोजीशन हमें पता है कि किडनी प्रेजेंट कहाँ होती है. सो नेक्स्ट जो चीज आती है हमारे पास वो आती है कि किडनी के अंदर जो ब्लड की सप्लाई है वो कहाँ से होती है. सो किडनी के अंदर हमारे पास जो ब्लड की सप्लाई है वो रीनल वेन्स और रीनल आर्टरीज के थ्रू होती है. सो रीनल, अब हमारे पास जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है या फिर किडनी है इसको हम रीनल सिस्टम भी बोलते हैं. सो द वेन्स एंड आर्टरीज विच आर एसोसिएटेड विद द रीनल हमारे पास किडनीज आर ऑल्सो और विद द रीनल सिस्टम आर कॉल्ड एज रीनल वेन्स एंड रीनल आर्टरीज.
अब हमारे पास जो रीनल आर्टरीज हैं, रीनल आर्टरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ ब्लड। जो हमारे पास रीनल आर्टरीज है वो हमारे पास ब्लड को लेके आती है, और हमारे पास जो रीनल वेन्स है वो हमारे पास ब्लड को वापस लेके जाते हैं आफ्टर द फिल्ट्रेशन। सो अब हमारे उसके अलावा हमारे पास जो किडनीज है, किडनीज यूरिनरी सिस्टम के अंदर हमारे पास दो किडनीज होती है, दो यूरेटर्स होते हैं। ईच किडनी में से हमारे पास एक एक यूरेटर रिलीज होता है। ये जो दोनों यूरेटर्स हैं हमारे पास, ये यूरिन को कैरी करके हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में लेके आते हैं। यूरिनरी ब्लैडर हमारे पास एक रिजर्वॉयर की तरह एक्ट करता है, यानी कि हमारे पास फॉर द टाइम बीइंग जब तक हम यूरिन को एक्सक्रीट ना करते तब तक हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होता है। और यूरिनरी ब्लैडर के एंड में हमारे पास यूरेथ्रा होता है जहाँ से हमारे पास यूरिन हमारे पास रिलीज होता है। सो यूरिनरी सिस्टम के अंदर हमारे पास मेजर जो ऑर्गन्स हैं वो यही है, दो किडनीज हैं, दो यूरेटर्स हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। सो आफ्टर दिस हमारे पास हमारा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि हमारे पास जो किडनीज हैं उनके फंक्शन क्या है। सो मेजरली हमारे पास किडनी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड वेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे पास एक्सेसिव सॉल्ट होता है उसके एक्सक्रीशन के लिए भी हमारे पास किडनी रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा हमारे पास ड्रग्स और टॉक्सिन्स जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनके एक्सक्रीशन के लिए भी किडनी रिस्पॉन्सिबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास जो रेगुलेशन होती है पीएच की ब्लड के पीएच की तो या फिर बॉडी के पीएच की, उसके लिए भी हमारे पास किडनी रिस्पॉन्सिबल है। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ किडनी। फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। किडनी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट्स। किडनी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स। फोर्थ पॉइंट इज दैट द किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड। सो नाउ वी हैव टू स्टडी द फिजियोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ द किडनी। अब हमारे पास किडनी के अंदर कौन से हमारे पास पोर्शंस हैं, या फिर किडनी के अंदर हमारे पास कौन सी एरियाज में हमारे पास किडनी डिवाइडेड है। सो मेजरली हमारे पास जो किडनी है उसके अंदर दो मेजर एरियाज होते हैं, एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल कॉर्टेक्स और एक होता है हमारे पास इनर मेड्यूला। जो हमारे पास ये एक्सटर्नल पोर्शन है आपका किडनी का, ये है हमारे पास कॉर्टेक्स, और जो इनर पोर्शन जहाँ पे हमारे पास एक्चुअली फिल्ट्रेशन होती है वो है हमारे पास मेड्यूला। जो ये हमारे पास जो हमारे पास कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स हमारे पास जो ये कॉलम्स फॉर्म करता है जहाँ पे हमारे पास मेड्यूला है, मेड्यूला इज द इनर पोर्शन ऑफ द किडनी। अब इस मेड्यूला के अंदर हमारे पास कैलिसेस फॉर्म होते हैं, ट्रायंगुलर शेप्ड हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैलिसेस, और इन कैलिसेस के अंदर हमारे पास नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारी किडनी होती है, किडनी इज जनरली इट इज कॉन्वेक्स इन शेप्ड ऑन द आउटर साइड पे हमारे पास ये कॉन्वेक्स है, ठीक है, और इनर साइड पे हमारे पास ये कंकेव शेप्ड में है। और जो ये हमारे पास ये कंकेव शेप की फॉर्मेशन हो रही है ये होता है हमारे पास हाइलम। सो किडनी इज जनरली कॉन्वेक्स इन शेप, but the internal portion is concave in shape and that concave portion is called as hilum. और hilum के ऊपर हमारे पास renal pelvis होता है, जो हमारे पास जितने भी जो हमारे पास nephrons हैं, जो हमारे पास functional unit है kidney का, जो कि जहाँ पे हमारे पास actually urine की formation होती है, वो हमारे पास सारे के सारे collecting duct में active होते हैं, और जो collecting duct है वो हमारे पास रीनल पेल्विस के थ्रू यूरेटर के अंदर एंटी होती है। सो हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, जो हमारे पास नेफ्रॉन्स का एक पोर्शन है, और बाकी के जो हमारे पास कॉर्पोरेटेड टिब्यूल्स है और जो लूप ऑफ हेंडे है वो हमारे पास मेड्यूला के अंदर प्रेजेंट होता है, और मेड्यूला से हमारे पास जो ब्लड है, जो हमारे पास यूरिन है, यूरिन हमारे पास कलेक्टिंग टिब्यूल्स में जाता है, कलेक्टिंग डक्ट्स में जाता है, और वहाँ से हमारे पास रीनल पेल्विस के अंदर आ जाता है।
हमारे पास किडनी के अंदर आउटर जो पोर्शन है वो कॉर्टेक्स है, जो कॉर्टेक्स है वो आपका हमारे पास जो हमारी बॉडी का कॉर्टेक्स होता है वो इन जो ये ट्रायंगुलर कैलसेस हैं इनके सेंटर में भी हमारे पास एक्सटेंड करता है और हमारे पास कुछ कॉलम्स बनाता है और इन कॉलम्स को हम बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीवी। सो हमारे पास रीनल कॉर्टेक्स जो है इट एक्सटेंड्स टिल द सेंटर ऑफ किडनी एंड दीज एक्सटेंशंस आर नोन एज कॉलम्स, रीनल कॉलम्स की फॉर्मेशन होती है और इन कॉलम्स को हम बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीवी। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास मेडुला के अंदर कैलस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, पिरामिड्स फॉर्म करते हैं और ये जो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं इनको हम बोलते हैं कैलसेस। अब कैलसेस के अंदर हमारे पास जितनी भी कलेक्टिंग टिब्यूल्स हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, जितने भी हमारे पास नेफ्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास रीनल आर्टरी के थ्रू हमारे पास ब्लड जो है वो किडनी के अंदर आता है, जो रीनल वेन्स है वो हमारे पास ब्लड कैरी अवे करती है किडनी से। और हमारे पास हाइलम के अंदर, हाइलम एंड कहाँ होता है हमारे पास रीनल पेल्विस पे, और रीनल पेल्विस हमारे पास आगे यूरेटर की फॉर्मेशन करता है। सो ये है आपके पास जो आपकी किडनी की एनाटॉमी है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है वो है हमारे पास नेफ्रॉन। अब जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन हमारे पास दो पोर्शन में डिवाइड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पोर्शन जो है वो है मालफीजियन कैप्सूल, मालफीजियन कैप्सूल के अंदर डिवाइडेड होता है। और सेकेंडली हमारे पास जो हमारा नेफ्रॉन है दैट इज डिवाइडेड इनटू रीनल टिब्यूल्स। सो नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मालफीजियन कैप्सूल एंड सेकेंड वी हैव रीनल टिब्यूल्स। अब मालफीजियन कैप्सूल के अंदर आगे हमारे पास दो पोर्शंस होते हैं। फर्स्ट जो है दैट इज हमारा ग्लोमेरुलस, और जहाँ पे हमारे पास इनिशियल जो फिल्ट्रेशन होती है वो हमारे पास ग्लोमेरुलस के अंदर होती है। अब व्हाट इज ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस हमारे पास एक किडनी का, हमारे पास नेफ्रॉन का पोर्शन है। ग्लोमेरुलस इज मेड अप ऑफ कैपिलरीज। हमारे पास जो इनिशियल ब्लड ब्लड हमारे पास किडनीज के अंदर आता है तो वो हमारे पास ग्लोमेरुलस के थ्रू जाता है, और ग्लोमेरुलस के अंदर हमारे पास फिल्ट्रेशन होती है। फर्स्ट जो फिल्ट्रेशन है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सो ग्लोमेरुलस इज मेड अप इज इट इज अ मेश और अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड इट इज द फर्स्ट पोर्शन वेयर द ब्लड एंटर्स फॉर द फिल्ट्रेशन इन द किडनी। और ये जो हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है, जो हमारे पास मालफीजियन कैप्सूल होता है, मालफीजियन कैप्सूल हमारे पास कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपके पास ग्लोमेरुलस है और ये जो हमारे पास रीनल टिब्यूल्स है, जो ट्यूब्स है हमारे पास आगे ग्लोमेरुलस की, वो हमारे पास मेड्यूला के अंदर होती है। और मेड्यूला से हमारे पास फर्दर ये जो हमारे पास कलेक्ट हमारे पास आगे फर्दर ये पेल्विस के अंदर और यूरेटर से जॉइंट होती है। सो मालफीजियन कैप्सूल के अंदर हमारे पास दो मेजर पोर्शन है, एक है ग्लोमेरुलस और एक है रीनल टिब्यूल्स। एक है मालफीजियन कैप्सूल के अंदर हमारे पास एक है ग्लोमेरुलस और एक है बाउमन्स कैप्सूल। ये जो आपको ब्लू पोर्शन दिख रहा है, एक मेश है कैपिलरीज का, ये है हमारे पास ग्लोमेरुलस। और ये जो हमारे पास ये पोर्शन है जिसके अंदर ये मेश सराउंडेड है, ये हमारे पास बनाता है बाउमन्स कैप्सूल। और बाउमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस हमारे पास मिलके क्या बनाते हैं? मालफीजियन कैप्सूल। अब ये जो मालफीजियन कैप्सूल है, यहाँ पे हमारे पास इनिशियल फिल्ट्रेशन होती है। सेकेंड जो हमारे पास है वो हमारे पास है रीनल टिब्यूल्स। अब रीनल टिब्यूल्स में हमारे पास जो बाउमन कैप्सूल है, बाउमन कैप्सूल इनिशियली हमारे पास ज्वाइंट होता है पीसीटी से, और पीसीटी होता है हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। सेकेंड है हमारे पास जो पोर्शन वो है लूप ऑफ हेनले। और हमारे पास जो लूप ऑफ हेनले के बाद नेक्स्ट जो पोर्शन आता है दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल।
यानी कि डीसीपी। और जो हमारे पास डिस्टल कॉन्जुगेटेड टिब्यूल्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट लास्ट जो आता है वो आता है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। हमारे पास मेजर चार तरह की रीनल टिब्यूल्स होती हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड टिब्यूल, सेकंड है हमारे पास लूप ऑफ हेनले, थर्ड है हमारे पास डिस्टल कॉन्जुगेटेड टिब्यूल्स और फोर्थ है हमारे पास कलेक्टिंग टिब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट, जिसके अंदर हमारे पास जो कलेक्टिंग डक्ट हमारे पास फर्दर सारे के सारे जितने भी नेफ्रॉन्स हैं वो कलेक्ट एक ही कलेक्टिंग डक्ट से ज्वाइंट होते हैं और वो कलेक्टिंग डक्ट हमारे पास आगे यूरेटर के अंदर एंटी। So, ये है हमारे पास नेफ्रॉन का फिजियोलॉजी। अब नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यानी कि हमारे पास यूरिन की फॉर्मेशन होती कैसे। सो यूरिन की फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास मेजर तीन प्रोसेसेस होते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला प्रोसेस है दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। हमने अभी पढ़ा कि जो हमारे पास ब्लड है, ब्लड की जो सप्लाई है वो हमारे पास इनिशियली ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है। अब ग्लोमेरुलस के अंदर ग्लोमेरुलस रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास जो इनिशियल फिल्ट्रेशन है वाटर की, सॉल्ट्स की या अदर सब्सटेंसेस की। अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ये हमारे पास होती है 100 ml/min। ग्लोमेरुलस हमारे पास इनिशियली, अब जो हमारे नेफ्रॉन के अंदर हमारे पास मेलिटेशन कैप्सूल है और रीनल टिब्यूल्स है, हमारे पास इनिशियल फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है मालफीजियन कैप्सूल। और जो हमारे पास फर्दर कंसंट्रेशन होती है यूरिन की, यानी कि हम जो इनिशियली जो आपका यूरिन बनता है वो बहुत डाइल्यूट बनता है, यानी कि उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है। और जो ये टिब्यूल्स होती हैं, टिब्यूल्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर कंसंट्रेटिंग द यूरिन फर्दर। सो सबसे पहले जो हमारे पास जो प्रोसेस स्टार्ट होता है दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमारे पास 100 ml/min की हमारे पास रेट से होता है। इसके अंदर अगर 100 ml/min हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा, विद इन 1 आवर हमारे पास 6 liters ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगी यूरिन की। सो 6 liters जो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी वो हमारे पास अगर हमारे पास 1 आवर के अंदर 6 liters यूरिन बन रहा है, अगर हमारे पास 100 ml/min यूरिन की फॉर्मेशन हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होती है तो हमारे पास उसका क्या मतलब हुआ कि 1 आवर के अंदर हमारे पास 6 liters ऑफ यूरिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन 1 डे में मैक्सिमम जो यूरिन की आउटपुट होती है दैट इज 1.5 liters। सो अब हमारे पास 6 liters अगर 1 घंटे में बन रहा है और हम 1 दिन में 1.5 liters एक्सक्रीट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, इट मींस कि हमारे पास जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो हमारे पास फर्दर जाके क्या हो जाता है उसका, हम उसको क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं। और वो जो ये कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास कहाँ पे की जाती है, रीनल टिब्यूल्स के अंदर। सो हमारे पास इनिशियल जो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन होती है, हमारे पास 100 ml/min के रेट से फिल्ट्रेशन होती है। ग्लोमेरुलस के अंदर हमारे पास सिर्फ क्या पास, ग्लोमेरुलस के थ्रू हमारे पास सिर्फ क्या पास करता है, वाटर, सॉल्ट्स और अदर सब्सटेंसेस, जो हमारे पास ब्लड है वो सारा का सारा फिल्टर आउट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है तो हमारे पास जो नेक्स्ट फिल्ट्रेट जाता है वो जाता है हमारे पास बाउमेंस कैप्सूल के अंदर। अब बाउमेंस कैप्सूल जो होता है वो हमारे पास पोडोसाइट नाम के सेल्स से बना होता है। हमारे पास जो बाउमेंस कैप्सूल होता है इट इज मेड अप ऑफ पोडोसाइट्स, द सेल्स आर नोन एज पोडोसाइट्स। अब ये जो पोडोसाइट्स हैं, पोडोसाइट्स हमारे पास बहुत ही ज्यादा दीज आर प्रेजेंट लाइक जो हमारे पास ये पोडोसाइट्स हैं, पोडोसाइट्स हमारे पास क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पास नजदीक प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारे पास क्या करते हैं, स्लिट्स की फॉर्मेशन करते हैं जिनके थ्रू हमारे पास जो यूरिन है वो पास होता है। और ये जो स्लिट्स की फॉर्मेशन होती है ये हमारे पास क्या होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सो इनिशियली हमारे पास ग्लोमेरुलस के थ्रू जो फिल्ट्रेशन हो रही है दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन।
And next, the filtrate is and for the filtrate enters into the Bowman capsule. Bowman capsule के अंदर filtrate जाता है. अब Bowman capsule जो होता है, that is made up of specific cells which are known as podocytes. अब ये जो podocytes हैं, podocytes हमारे पास बहुत ही past present होते हैं और हमारे पास क्या करते हैं, slits की formation करते हैं, यानी कि हमारे पास छोटा छोटा रास्ता present होता है for passage of urine. हमारे पास filtrate. तो ये जो फिल्ट्रेट है हमारे पास, ये फर्दर कंसेंट्रेशन होती है और यहाँ पे हो जाती है हमारे पास. एंड द प्रोसेस इज नोन एज व्हेन द फिल्ट्रेट पासेस फ्रॉम द बाउमेन कैप्सूल्स थ्रू द स्लिट्स ऑफ बाउमेन कैप्सूल द प्रोसेस दैट अकर्स इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है इन द यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज टिब्यूलर सिक्रीशन. अब व्हाट इज टिब्यूलर सिक्रीशन? टिब्यूलर सिक्रीशन का मतलब होता है हमारे पास जब हमारे पास यूरिन की फॉर्मेशन, हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गए. अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास जो ये टिब्यूलर सेल्स हैं, वो हमारे पास स्पेसिफिकली हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन या अमोनिया के जैसे हमारे पास जो डिफरेंट आयन्स हैं उसकी सिक्रीशन करते हैं. जो हमारे पास ये टिब्यूल्स हैं, टिब्यूल्स के जो सेल्स हैं, टिब्यूल्स के अराउंड हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं. टिब्यूल्स के अराउंड हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे पास क्या होता है, ये जो टिब्यूल्स हैं, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स से, हमारे पास ब्लड के अंदर से डिफ्यूजन करवाती हैं डिफरेंट डिफरेंट आयन्स का. और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, डिफरेंट आयन्स की हमारे पास क्या हो जाती है, जो हमारे पास सिक्रीशन हो जाती है. और हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है. अगर कुछ हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट ग्लोमेरुलस के थ्रू रह गया हो तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज टिब्यूलर सिक्रीशन. और टिब्यूलर सिक्रीशन हमारे पास एक एक्टिव प्रोसेस है. व्हाट हैपेंस इन टिब्यूलर सिक्रीशन इज दैट टिब्यूलर सेल्स सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट जो हमारे पास फॉर्मेशन हुई थी ग्लोमेरुलस के अंदर. अब ये हमारे पास जो टिब्यूलर सिक्रीशन है, टिब्यूलर सिक्रीशन हमारे पास का मेजर फंक्शन क्या है, टिब्यूलर सिक्रीशन हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है आयनिक और एसिड बैलेंस बनाने के लिए फ्लूइड के. सो आयनिक और एसिड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे पास टिब्यूलर सिक्रीशन होती है. नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन. अब टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन के अंदर क्या होता है हमारे पास, हमने अभी डिस्कस करा कि हमारे पास जो यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है आफ्टर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वो बहुत ज़्यादा है. इट इज 6 liters इन द आर, एक घंटे में हमारे पास 6 liters यूरिन की फॉर्मेशन हो जाती है. अगर हम सिर्फ और सिर्फ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात करें सो हमारे पास क्या होता है कि हम अब हमारे पास जो एक्सक्रीशन है दैट इज 1.5 liters इन अ डे. तो हमारे पास क्या किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट किया जाता है यूरिन को. सो यूरिन की जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है वो कैसे होती है, हमारे पास इन जो हमारे पास ये कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स हैं इसके अंदर हमारे पास थर्ड जो प्रोसेस, सबसे पहले हमने पढ़ा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन विच हेल्प्स इन द यूरिन फॉर्मेशन. सेकेंड प्रोसेस इज टिब्यूलर सिक्रीशन. टिब्यूलर सिक्रीशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो ट्यूबुलर्स के हमारे पास ट्यूबुलर सेल्स हैं वो हमारे पास आयन सिक्रीट करते हैं फिल्ट्रेट के अंदर. थर्ड जो प्रोसेस है दैट इज टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन. और टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है यूरिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए. अब यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो हमारे ब्लड वेसल्स जो टिब्यूल्स के साथ रन कर रही है वो डिफ्यूजन के थ्रू हमारे पास वाटर को, ग्लूकोज को, अमीनो एसिड्स को एक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर लेती है. व्हाट हैपेंस इज सम टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन सम ब्लड वेसल्स थ्रू डिफ्यूजन और थ्रू एक्टिव प्रोसेसेस रीअब्सॉर्ब ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सोडियम आयन्स. टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है वो हमारे पास कहाँ पे होती है, कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स में और कलेक्टिंग टिब्यूल्स के अंदर.
सो दिस वॉज यूरिन की फॉर्मेशन। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी के एनाटॉमी पढ़ी, हमने किडनी की पोजीशन पढ़ी, हमने यूरिनरी सिस्टम के अंदर पढ़ा कि कौन से ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास यूरिन की फॉर्मेशन के लिए। उसके अलावा हमने पढ़ा कि हमारे पास यूरिन की फॉर्मेशन होती कैसे। अब यूरिन की फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम बाकी के जो हमारे पास हमने किडनी कवर करी है, जो बाकी के हमारे पास ऑर्गन्स हैं उनकी एनाटॉमी डिटेल पढ़ेंगे और डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम के। थैंक यू।